आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बरघाट नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर अनशन जारी था और इस अनशन के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की रिपोर्ट। बरघाट नगर परिषद की मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री लिल्हारे के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उसके अनुसार, मांग के अनुसार 24 सफाई कर्मचारियों को कार्य पर रखा गया है। ईपीएफ की राशि अनुमानित 20 से 25 दिनों में इसका भुगतान किया जाएगा। लंबित वेतन में से 2 माह का वेतन इसी माह में भुगतान किया जाएगा एवं शेष 3 माह का वेतन आगामी 3 माह में के अंदर भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों का विनियमितीकरण शासन द्वारा प्रदत्त और प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप किया जाएगा। नगर परिषद बरघाट की ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है और आम आदमी पार्टी के द्वारा इस पूरे अनशन को समर्थन दिया गया था और एडवोकेट यहाया आरिफ कुरैशी और एडवोकेट जयदीप सिंह बैस के द्वारा इसकी कमान संभाली गई थी। और जयदीप सिंह बैस इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं ये अभी हम आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। आइए सुनते हैं सादिक खान की ये रिपोर्ट। बरघाट नगर परिषद का है ये मामला। जो मंच को आमंत्रित करने जा रहा हूं, हमारे हमारे वरिष्ठ सलाहकार अधिवक्ता बड़े भाई जयदीप सिंह जी बैस जी को। नगर पंचायत परिषद बरघाट से हटाए गए थे और अभी हाल में उन्हें आश्वासन दे दिया गया है कि उनकी मांगों को लिखित आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को मान लिया गया है। ऐसे सभी हमारे संघर्षित साथी, क्योंकि आज उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि ये जीत उन्हें मिली है, नहीं तो ऐसा तो जब उन्हें निकाला गया था और यदि वो प्रतिकार नहीं करते, विरोध नहीं करते तो वो तो घर में बैठे होते आज। जहां तक मुझे मालूम है इनकी मांगे और उनके आश्वासन के बारे में भी हम बात करेंगे। मैं हमारे साथ सिवनी से आए बहन मीना जायसवाल जी, वरिष्ठतम हमारे आम आदमी पार्टी के नेता गोविंद सिरवाल जी, हमारे वरिष्ठ बड़े भाई आदरणीय यहाँ आरिफ कुरैशी जी, बरघाट के हमारे साथी सुनील अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता रघुवीर सनोड़िया जी, युवा नेता भाई ऋषि किशोर लालू कुमारे जी और एक विशिष्ट व्यक्ति हमारे जो बीच में हैं, जिनकी आज पूरे देश में डिमांड है, किसान नेता भाई राजेश सोलंकी जी, जो साथी यहाँ पर आंदोलन में बैठे थे। मैं उनके नाम नहीं जानता परंतु उनका विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। आज 2 अक्टूबर, आज मुझे पता चला कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से सफाई कर्मचारी जो यहां से नगर पंचायत परिषद बरघाट से निकाल दिए गए थे वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। उनकी जो मांगे थी और जो मानी गई हैं, दोनों को एक साथ यदि बात करें तो समय बच जाएगा। इन्हें बुलाए कार्य पर वापस ले लिया गया है, ये लिखित आश्वासन। दूसरा आश्वासन यह है कि इनका जो ईपीएफ बाकी है, जो इन्होंने अपनी सेवाएं पीछे की हैं, उसका जो ईपीएफ बाकी है वो 20 से 25 दिन के अंदर इनको दिया जाएगा। तीसरी इनकी मांग है कि इनका जो 7-8 माह का वेतन रुका हुआ है तो उसमें से जो रुके हुए वेतन में से 1 माह का वेतन तत्काल दिया जाएगा, 2 माह का तत्काल दिया जाएगा और बाकी जो शेष बचेगा, किसी का 3 माह का, किसी का 4 माह का।